दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारा ये बीआर रैंक होता है, इसमें हीरो कैसे जाते हैं। तो हीरो जाने के लिए कुछ हार्ड नहीं होता, बस थोड़ी सी छोटी सी बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और मैं हर सीज़न हीरो जाता हूँ, बस मतलब जब मेरे को टाइम मिलता है तो मैं 1-2 दिन में आराम से हीरो थोड़ा सा, बिल्कुल एकदम थोड़ा सा टाइम देता हूँ। और हीरो देखो चुटकी में, बस यूँ ही ऐसा होता है, बस कुछ हार्ड नहीं है। तो देखो हीरो जाने के लिए सबसे बेसिक क्या होता है, तो आज मैं कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे कि आप लोग हीरोइक बस मतलब थोड़ी सी टाइम लगाओगे और हीरोइक पहुंच जाओगे। तो बढ़ते अपने वीडियो की ओर। तो देखो कुछ हार्ड नहीं होता वीडियो में, बस। तो मैं हूँ आपका अभी भाई और आप देख रहे हैं कि एक्सी गेमर। चलिए तो अपने टिप्स नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो टिप्स नंबर 1 क्या होता है, आमतौर पर क्या होता है ना कि देखो हमें हीरोइक जाने के लिए कुछ टिप्स होते हैं। जैसे कि तुम लोग कहोगे कि यार तुम्हें क्या पता, कुछ लोग मुझे कह देते हैं कभी कभी कि यार तुम्हें तो मतलब देखना भी नहीं आता, हीरोइक पहुँचे नहीं, झूठ मूठ का वीडियो बना दे। तो देखो मैं प्रूफ के लिए दिखा दूँ, मैं लगातार 3 सीजन से खेला हूँ, देखो मेरा हीरो मुझे कैसे और मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। तो देखो टिप्स नंबर 1 क्या होता है, सोलो स्क्वाड या डुओ, कौन सा सबर करो। कुछ लोग कहते हैं सोलो, कुछ लोग कहते हैं डुओ, कुछ लोग कहते हैं स्क्वाड, जिसकी अपनी पसंद है जैसी, चलो भाई तुम्हारी बात। लेकिन मेरा मानो तो भाई आप लोग बस डुओ खेलो या सोलो तक खेलो, सर्वाइव कर सकते हो सर्वाइव कर कर खेलो। देखो डुओ में क्या होता है ना, असल में कि डुओ में होता है कि अगर आपका टीममेट मर गया तो आप अकेले 2 बंदों को मार सकते हो, या अगर आप मर गए तो आपका टीममेट रिवाइव कर सकता है। तो आपको एक चांस रहता है दोबारा, आपको मतलब एक बार डेड किए तो कोई दिक्कत नहीं है, रैंक माइनस नहीं होगी, आपका टीममेट बचा सकता है, तो इससे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होती और आपका वीडियो मतलब आपका मतलब जो है रैंक वो पुश हो जाएगा। हाँ तो बढ़ते अपने टिप्स नंबर 2 की ओर। तो देखो टिप्स नंबर 2 कुछ ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी सी बात है। तो देखो टिप्स नंबर 2 क्या होता है, हमें सबसे पहले फाल्कन पेट ले लेना है, याद रखो फाल्कन पेट लेना है। हाँ अगर आपके पास फाल्कन पेट नहीं है तब आप मिस्टर वैगर लो, क्योंकि वो आपको ग्लू वॉल देगा। तो मेरा मानना है कि मेरे पास तो वैगर मैंने निकाला नहीं है, तो मैं फाल्कन ले लेता हूँ, जिससे कि आप जल्दी उतरोगे तो जल्दी लूट कर पाओगे। तो देखो मिस्टर फाल्कन मतलब वही फाल्कन ले लेना। उसके बाद यहाँ देखो लोड आउट में हमें बाउंटी टोकन और स्कैनर लेना। आप कुछ लोग पूछेंगे ऐसा क्यों, तो देखो स्कैनर और बाउंटी टोकन क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो बाउंटी टोकन अगर किसी बंदे को मार दो तुम्हारे पास लूट कम रहता है फिर भी तुम उसे कर सकते हो, और स्कैनर मतलब जहाँ उतर रहे हो वहाँ पर बंदे कितने, तो देखो ऐसा होता है। हाँ तो देखो असल में क्या होता है ना कि देखो मैं कुछ लोग को लैंडिंग सही से करने नहीं आते, मैं कहूँगा तो कुछ लोग कहोगे स्किप करने वाले हो कि नहीं यार ऐसा है, क्या बता रहे हो तुम, गलत बता रहे हो, मुझे पता है। तो देखो एक बार देख लो तुम, पक्का कहोगे तुम लोग लैंडिंग गलत तरीके से करते हो। तो चलो बढ़ते अपने मैच की ओर। हाँ तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि हम लोग यहाँ लैंडिंग वाले पे आ चुके हैं, तो आपको बाउंटी टोकन एक्टिवेट कर देना, उसके बाद मैप में ध्यान से देखना जो इन पोजीशन, तो वहाँ से सबसे दूर उतरना है हमें, जिससे कि बंदा कम जा सके। तो देखो आमतौर पर तो हर जगह बंदा जाएंगे, तो मेरा मानना कि देखो राम नाम दिला जा सकते हो, जैसा कि मैं आया मैप के हिसाब से तुम्हारा मैप अलग हुआ तुम्हारा अलग जाएगा, चलो वो बात की बात है। तो देखो इधर या सबसे दूर उतरना है, और सबसे दूर उतरने की वजह से बंदा कम आएंगे, तो तुम्हें देखो और जो लैंडिंग होता है आमतौर पर, देखो लैंडिंग जो करेंगे तो यहाँ से देखो ध्यान से यहाँ स्कैनर हमें, तो यहाँ जितने बंदे होंगे यहाँ तुरंत रेड नंबर में दिखा देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि कोई प्रॉब्लम। यादव को भूतने का क्या हो रहा है, मेरा नेट ही भाग गया, अच्छी बात है यार, मतलब डाटा भी भाग गया। हाँ तो देखो अपने टिप्स नंबर 2 कंप्लीट हो गया। देखो टिप्स नंबर 3 आपको मतलब उतरना तो वो बात की बात है, लेकिन एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको क्लियर से, तो आपको लूट के एरिया में उतरना, ऐसा नहीं कि उतर गया दूर जहाँ लूट कुछ मिले ही नहीं, जैसे यहाँ रहने में कुछ खास लूट मिलती नहीं है, अगर मिल जाते हैं तो आपको ऐसी जगह करना है। उसके बाद देखो क्या होता है, देखो लूट अच्छी मिली ना उसके बाद ही आपको रन करना है, जैसे कि देखो मेरा डाटा फिर भाग गया, अजीब हाल है यार। हाँ तो देखो क्या होता है कि जो लूट होता है हमें लूट अगर अच्छी मिलेगी ना तो हम लोग फिर कुछ कर सकते हैं, तो लूट हो जा तो उसके बाद देखो क्या करना है, हमें लूट मिल जाए अच्छी तो तब जाके हमें फाइट कर रही है, लेकिन फिर भी ट्राई करो सर्वाइव करने का। तो टॉप 15 आ जाएंगे टॉप 10 यानी सेकेंड लास्ट जून के बाद, तो आप लोग फाइट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उसके बाद आपका रैंक माइनस होने का चांसेस कम जाए। तो ये भी एक रैंक तो बढ़ते अपने टिप्स नंबर 3 की ओर। देखो कभी भी जो फाइट होता है ना फाइट, वो नॉर्मल तरीके से हमें नहीं लेना चाहिए, मतलब कि हमें
इससे क्या होता है कि जो जम्प से होता है ना उससे आपको कम डैमेज पड़ेगा और उसका स्टोरी द इंड होने में टाइम नहीं लेगा। ये देखो है? मेरा फिर नेट भाग गया और देखो यहाँ फिर वापस मेरे कहाँ से आते हैं? किधर से देखा मैंने, ध्यान नहीं दिया इधर भी। चलो चलिए तो देखते हैं। तो देखो क्या होता है ना असल में कि ये इस बात का जरूर ध्यान रखा करो, ऐसे क्या होता है बहुत कुछ फर्क पड़ता है यार। ये देखो फिर से वापस वही जियो ने यार रिपोर्ट निकाला, काफी नेटवर्क इशू चल रहा है, बस इसी कारण मेरा ही चल रहा है। ये देखो अचानक से गेम में आ भी गया। अब ये देखो गजब यार, मतलब नेट ने तो हद ही कर दिया है भाई। देखो मेरी एचपी भी नहीं बची। चलो तो बढ़ते हैं। देखो टिप्स नंबर 3 मैंने बता दिया कि आपको सही से फाइट करना है, और टिप्स नंबर 3 के अंदर ही आता है कि आप लोग सही सिचुएशन देखो उसके बाद ही अटैक करो, वरना अटैक ऐसे मत किया करो वरना आपकी स्टोरी भी जा सकती है। ये देखो मेरा नेट प्रॉब्लम चल रहा है, इसी काम नहीं हुआ। देखो जैसा कि मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, तो यहाँ देखो बाउंटी टोकन से क्या होता है ना कि ये हो गया, तो यहाँ मैं बाउंटी टोकन से ले रहा हूँ। तो देखो ऐसे ही हर मैच में ट्रिक अपनाया करो यार, क्योंकि ऐसे हर मैच में ट्रिक अपनाओगे ना तो तुम ध्यान से देगा ना तुम्हारी वीडियो, मैं कसम से कह रहा हूँ यार, तुम मतलब बंदे छा जाओगे, तुम्हारा रैंक भी इतना तेज़ी से प्लस होगा कि पूछो ही मत, मतलब इतना तेज़ी से रैंक पुश होगा और इतना जल्दी आप रूम जा सकते हो। तो ये भी एक अच्छा बेस्ट वे है। और मैं बता दूँ जहाँ तक आपको क्लियर के लिए, तो यार मेरे फ़ोन काफ़ी कमजोरी रैंक का है, तो अब शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो लंबा करने में, तो मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा। और हाँ एक चीज़ और याद रखना कि इसका पार्ट 2 में बहुत ज़रूरी मैं चीज़ बताने वाला हूँ, जी हाँ पार्ट 1 में नहीं बताया पाया, जिससे कि आपका मतलब भुइया भी हर मैच कर सकते हो ऐसा कुछ है ट्रिक्स। तो पार्ट 2 के लिए वेट करना, जस्ट मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन में आपको वीडियो आ जाएगा, तो आप लोग देख सकते हो। तो पार्ट 2 प्लीज़ वीडियो में नीचे कमेंट कर देना, एंड हाँ वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है भाई, मैं एक न्यू यूट्यूबर तो मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, सो वेट करो बस। और हाँ दिवाली इवेंट की वीडियो बस कल आने वाली है, तो दिवाली इवेंट की वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि इसमें और कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोग कहीं वीडियो में देखे होंगे लेकिन नहीं पता होगा, तो मैं बता दूँ इस बात को क्लियर है। ओके सो मिलते हैं। और हाँ वीडियो अब तक नहीं लाइक की तो दोबारा मैं कह रहा हूँ यार लाइक कर दो भाई, चैनल सब्सक्राइब कर दो।